हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये देखो मेरे न्यू शूज जो मैंने मंगाए कहाँ से? दोहा से ना, राइट? ये तो ये है आशु। आप इनसे आई थिंक ब्लॉगिंग में पहली बार, जब से ब्लॉग शुरू किया है पहली बार ब्लॉग में दिख रही है, जब से ब्लॉग शुरू किया है ब्लॉग में पहली बार दिख रही है। बट ये दीपिका की बहुत पुरानी फ्रेंड बोल सकते हो, बहन बोल सकते हो, बिल्कुल घर जैसे बिल्कुल रहती है। तो ये जो है वो दोहा से आई थी और इसने कहा था कुछ चाहिए, तो हमने कहा था कि हमें चाहिए। एंड दीपिका ने क्या किया देखा? ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। एक्चुअली मैं उस दिन जब इसने बोला कि कुछ चाहिए तब मेरा दिमाग चलने लगा और मैंने ये ऐसे ही डाला कि लेटेस्ट कलेक्शन स्लाइड्स की क्या है, और ये मिली तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ जी आशु जी, हेलो एवरीवन। 15 years, it's been 15 years that we know each other now, and बस बहुत we've seen it all। हम लोग इंडिगो में साथ में थे, तब इंडिगो में जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी ये मैडम अपना वॉशरूम में फ्रेंच बन बनाने की कोशिश कर रही थी, और मैं उस वक्त जेट का 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद मैं इंडिगो का इंटरव्यू देने गई थी। तो होता है ना कि आपको थोड़ा पता होता है। ये बेचारी लगी हुई थी तो मैं बोला मैं बना के देती हूँ, तो वहां से इट स्टार्टेड ऑल की वो जो एक फिर पूरी वहां से शी स्टार्टेड में वहां से शी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ मी एंड इट हैज जस्ट बीन अपहिल फ्रॉम देयर। यस, तो ये आ गए हैं और आज मेरा ऑफ है, और आज एक्चुअली पापा का एक्सट्रैक्शन था दांत का, लेकिन वो हमने आज कैंसिल कराया है क्योंकि टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी उस टाइम पे। फिर पापा का जो है वो खाने का वो बहुत सारी चीज़ें हो जाती, 3-4 घंटे के चुद बक्के वहाँ गई थी हो जाती। तो अभी वो इंशाल्लाह संडे को होगा, एंड बस अभी उठाऊँ हम देखते हैं पूरे दिन कैसे निकलता है। आशु ने 5 साल के बाद इसको देखा है, करेक्ट? तुम कब आई थी लास्ट? 19 में आई थी ना, 3 साल के बाद रेहान को देखा है, और रेहान इतना लंबा हो गया है तो ये सिर्फ हाइट मैच कर रही है, करो लंबा हो गया है, ऑलमोस्ट लंबा हो गया। नहीं नहीं, निकल गया, एक आध इंच निकल गया ऊपर, देखो आईने में देखो, हाँ निकल गया। और ये रहा मेरा आज का लंच, पालक का खाकरा और गोभी की सब्जी। ये देखिए खूब जमे रंग जब मिल बैठे दो बिछड़े हुए यार या बहनें, जो भी कहें, किस तरीके से कुछ तो आर्ग्यूमेंट के बीच में चल रहा था, तू तू मैं समथिंग हो रही थी। हाँ जी, चाय पी जा रही है? हाँ। आपकी कोई प्रेफरेंस, कोई स्पेशल ख्वाहिश? काय की शादी में क्या पहनोगे? नहीं कुछ भी पहन लेंगे। अरे कुछ तो पहनो, कोई कलर? लड़की की शादी है कुछ भी पहन लेंगे। तो लड़की की शादी है तो तो क्या पहनेंगे? अच्छे से पहनोगे नहीं पहनोगे? हाँ पहन नहीं पाते ना ज्यादा। क्यों? अरे क्यों नहीं पहन पाते पापा? क्या नहीं, क्यों नहीं? क्या पहने? वो तो टाइट था वो वाला, तो सरू लाइट। कैसा? मैं आपको रेफरेंस दिखाऊंगा, आप मुझे बताना, सिंपल कुर्ता चाहिए या प्रॉपर शेरवानी चाहिए? कैसे? सिंपल कुर्ता। तुम्हें देव तुम्हारी कोई प्रेफरेंस? हाँ तुम भी कोई रेफरेंस हो तो बता देना। पापा बोल रहे कि नहीं, मैं कुछ भी पतला सा चलेगा मुझे। पापा सबा ने सबके लिए कलर डिसाइड किया है। अच्छा? हाँ, हर दिन वो कह रही है कि जो कलर उसने डिसाइड किया है सब वही पहनेंगे। नहीं पापा, अपन ये नहीं करेंगे ना। ठीक है। नहीं, अपन 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 अपनी मर्जी की पहनेंगे। क्यों नहीं? देख लेंगे, अच्छे कलर। अरे मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने हिसाब से पहनूंगा अपना कलर, ये क्या बात हो गई? आपने मेरा साथ ही नहीं दिया तो उसने कैसे रखा है कि अच्छा डिसाइड किया वो। अच्छा डिसाइड किया। हाँ, अब जैसे अगर हल्दी है तो उसने एक कलर डिसाइड किया तो सब लोग वो कलर पहनेंगे, अच्छा लगेगा ना। हाँ देखा, पापा से अप्रूवल मिल गया, अब और क्या चाहिए।